हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप सभी लोग कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो मेरा चैनल है वो टेक्निकल चैनल है, जहां पे मैं टेक्निकल वीडियो डालता रहता हूँ। लेकिन आपने देखे होंगे, एक साल हो गया मैंने कोई भी वीडियो डाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही डिप्रेशन में था और इसके वजह से मैंने डाला नहीं वीडियो, और बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरा चल रहा था। लेकिन अब रेगुलरली मैं वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो बात क्या करने वाले थे, हाँ, आज हम ये बता मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, कैसे अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आप बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे जो लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो उन लोगों को पढ़ाई का टाइम में मतलब मन लगाना चाहिए पढ़ाई के अंदर में, ठीक है। अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो और बाकी सारे चीज़ें कर रहे हो, वो यूट्यूब कर रहे हो, तो वो बाद की बात है, आप बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो मैं मान के चलता हूँ, आप 10th में या 12th में पढ़ रहे हो, तो अभी आप लोगों को पढ़ाई में ज़्यादा मन देना चाहिए, अपने कैरियर अपने गोल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए, और ऐसे आप लोगों को देखना चाहिए कि हाँ मैंने कितना चीज़ें सीखा हूँ। आज मैंने पढ़ाई किया मतलब 8 घंटे या 10 घंटे, कितना आप पढ़ाई कर सकते हैं, जितना ज़्यादा कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 8 घंटे से ज़्यादा अगर आप पढ़ाई करेंगे थोड़ा आपका एफिशिएंसी कम हो जाता है। तो मिनिमम आप 8 घंटे डेली पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और बात रही आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए टाइम पर क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले आप लोगों को पढ़ाई करने के टाइम पर पास में कोई भी खाना रखना नहीं चाहिए, पानी रखना चाहिए लेकिन कोई भी खाना रखना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब भी आप पढ़ते हो मतलब आपको फुल्ली डेडिकेटेडली पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ें पढ़ रहे हो उसका रूट तक आपको जाना पड़ेगा कि यार अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान के चलो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या कोई भी साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं आ रहा है, आपको धीरे धीरे चीज़ों को सीखना है। आपका इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आ रहे, आप धीरे धीरे करके चीज़ें सीख सकते हो। यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप उन सारे चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, खुद से सीख सकते हो और किताब भी पढ़ सकते हो। ये मतलब नहीं है कि आप जो किताब पढ़ रहे हो वो सिर्फ आपका जो आपका सिलेबस में है वो पढ़ेंगे, उसके साथ साथ आप बाहर का कोई दूसरा ऑथर का भी बुक ला के पढ़ सकते हो। अगर आप अपने कम उम्र के टाइम पे जब भी आप 10th और 12th स्टैंडर्ड में हो, वहाँ से अगर आप कुछ अच्छा चीज़ें पढ़ना शुरू किया, अच्छा किताब पढ़ने शुरू किया, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर की किताब आपने फॉलो करने शुरू कर देंगे, तो आगे चल के आपको जब आप इंजीनियरिंग करेंगे या कोई भी फील्ड में आप जाना चाहेंगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं अभी से बोला, जो जो गलतियां मैंने कर चुका हूं लाइफ के अंदर में, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वही गलतियां करो, मैं नहीं चाहता ये चीजें। आपको वो चीजें मैं बताने वाला हूं और बहुत चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारे गाइड करने वाला हूं इस चैनल के थ्रू में, और इस चैनल ये नहीं कि सिर्फ हम टेक्निकल बातें करेंगे, हम वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जहीं से जहां पे भी नॉलेज मिल रहा है वहीं से सीखिए। मैं अपना जैसे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, और कहीं पे भी आप लोगों को किसी और चैनल पे भी कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होगा तो वहाँ पे आप देखिए और अपने गोल पे अपना फोकस कीजिएगा और डेली मेहनत कीजिएगा, हार्डवर्क करिएगा, तो एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर कामयाबी हासिल करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।